हेलो दोस्तों, आज हम 12th गणित में चैप्टर 7 इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, यह एक्सरसाइज आधारित है त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं का उपयोग कर समाकलन करने पर। जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां मैं चर्चा करूंगा। आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर एक हमारा है, आई बराबर समाकलन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ 2x + 5 को हम प्रतिस्थापित करेंगे t से। तो पुट करें इसमें 2x + 5 = t। इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 dx = dt। 5 का हो जाएगा 0, dx यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, यानी यहाँ से हो जाएगा dx = ½ dt। यहाँ से देखें, i हमारा हो जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर और 2x + 5 के जगह पर t रखेंगे और dx के जगह पर ½ dt रखेंगे। हाफ यहाँ कोफिशियंट है, इसको समाकलन से बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t dt। अब फ्रेंड्स, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका में हम पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - cos 2x / 2। अब यहाँ एक्स के जगह सिर्फ t रखना है, तो ये हो जाएगा हाफ समाकलन साइन स्क्वायर, एक्स के जगह यहाँ t रखना है, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2t / 2 और dt। यहाँ से 2 को बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 समाकलन 1 - cos 2t dt। अब इसका समाकलन हम लोग करना जानते हैं, 1 का dt के रिस्पेक्ट में t होगा और माइनस cos का इंटीग्रेशन बताया है साइन होता है, ये हो जाएगा 2t और इसका डिफरेंशिएशन नीचे जाएगा 2 और प्लस समाकलन कांस्टेंट और बाहर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है 1/4 बराबर 1/4। यहाँ से t को वापस से रख देंगे, ये है हमारा 2x + 5 - sin 2 × 2x + 5 / 2 + c। इस 1/4 को अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 5/4 - ये हो जाएगा साइन, इस 2 को अंदर गुना कर लें तो ये हो जाएगा 4x + 10 और नीचे 4 × 2 हो जाएगा 8 और प्लस सी बराबर, यहाँ से 4 को अलग अलग डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 2x / 4 + 5/4 - sin 4x + 10/8 और प्लस सी। इसके और इसके बदले एक अलग से कांस्टेंट लगा देंगे, यानी फाइनल रिजल्ट हमारा होगा यहाँ से 2 × 4 कट जाएगा बराबर, ये हो जाएगा x / 2 - sin 4x + 10/8 और इसको मिलाकर अलग से एक कांस्टेंट लगा देंगे और ये है इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं का ध्यान रखना होता है, जिसका उपयोग यहाँ करके ही समाकलन करना होगा। दूसरा सवाल हमारा है, समाकलन sin 3x × cos 4x dx। फ्रेंड्स, फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin A × cos B = sin A + B और प्लस sin A - B। चूँकि sin A cos B यहाँ है, sin और cos sin में ही आता है, इसलिए 2 sin A × cos B = sin A + B + sin A - B। तो यहाँ 2 बनाने के लिए इसमें 2 गुना करेंगे और बाहर से 1/2 गुना कर देंगे, तो बराबर ही हो जाएगा, बाहर हाफ रखें और यहाँ हो गया 2 sin A × cos B, 2 sin A × cos B, 2 sin A × cos B, sin A + B।
तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी सात एक्स और प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन तीन एक्स माइनस चार एक्स हो जाएगा माइनस एक्स और डी एक्स बराबर यहाँ से बाहर हाफ रहा समाकलन ये हो गया साइन सात एक्स साइन माइनस को बाहर कर देता है यानी पढ़ा है साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स अब इसका समाकलन हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा हाफ साइन सेवन एक्स का समाकलन होगा साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स तो ये हो जाएगा माइनस कॉस सेवन एक्स बटे इसका डिफरेंशिएशन लेंगे सात और माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी बराबर यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस इसको लिखेंगे पहले तो कॉस एक्स माइनस कॉस सात एक्स बाई सात और प्लस सी और बाहर यहाँ गुना है वन बाई टू और ये है इसका आंसर। तीसरा सवाल हमारा है समाकलन कॉस टू एक्स इंटू कॉस फोर एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स डी एक्स। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला जो उपयोग करेंगे वह है टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का यहाँ उपयोग करेंगे तो उसके लिए हम इस दो को एक साथ लेके चलेंगे और तीसरे को ऐसे ही रखेंगे बाद में इसको देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ टू चाहिए तो यहाँ टू गुना करेंगे तो उसके लिए बाहर में हाफ गुना करेंगे और अंदर इसके साथ टू गुना करेंगे ये हो जाएगा टू कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स और बाहर रखेंगे कॉस सिक्स एक्स डी एक्स। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया टू कॉस ए इंटू कॉस बी टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर यहाँ से हाफ रखेंगे समाकलन इसके जगह पर फॉर्मूले लगाएंगे ये कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए प्लस बी यानी दो चार छः एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी यानी टू एक्स माइनस चार एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स और यहाँ बाहर है कॉस सिक्स एक्स डी एक्स। अब पढ़ा है कॉस माइनस को खा जाता है यानी कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स तो यहाँ ये कॉस एक्स हो जाएगा कॉस टू एक्स है तो बराबर ये हो जाएगा वन बाई टू समाकलन कॉस सिक्स एक्स प्लस कॉस टू एक्स और बाहर में गुना है कॉस सिक्स एक्स डी एक्स। अब इस कॉस सिक्स एक्स को अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू समाकलन कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा समाकलन कॉस टू एक्स कॉस सिक्स एक्स डी एक्स बराबर यहाँ से बाहर हाफ है ये हो जाएगा समाकलन कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ से कॉस टू एक्स कॉस सिक्स एक्स कॉस टू एक्स और कॉस सिक्स एक्स में फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए हमको यहाँ बाहर हाफ गुना करना पड़ेगा और यहाँ टू गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टू एक्स कॉस सिक्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देखेंगे ये है कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स तो इसको हम प्रमाणिक रूप में लाने के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमिका का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला पढ़ाया है चूँकि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू यहाँ एक्स है तो यहाँ टू एक्स है यहाँ अगर सिक्स एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स बराबर वन प्लस कॉस यहाँ एक्स के जगह पर छः एक्स जाएगा तो ये हो जाएगा बारह एक्स बटे टू तो इसके जगह पर अब इसको रखेंगे तब ये आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर उसका समाकलन हम लोग जानते हैं यहाँ इसका समाकलन करना संभव नहीं है तो इसका उपयोग यहाँ करेंगे यहाँ फॉर्मूला ये लगाएंगे काम हमारा आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले बाहर में यहाँ है
हाफ, हाफ को ऐसे ही रखते हैं, यहाँ समाकलन का चिन्ह है और ये कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स के जगह पर उसको रखेंगे वन प्लस कॉस बारह एक्स और बटे दो डी एक्स और प्लस यहाँ हाफ गुना में है और ये टू कॉस ए इंटू कॉस बी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी यानी कॉस टू एक्स प्लस छो एक्स, ये हो जाएगा कॉस आठ एक्स और प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कॉस टू एक्स माइनस छो एक्स हो जाएगा माइनस चार एक्स और डी एक्स बराबर। यहाँ से देखें वन बाई टू बाहर है और यहाँ से ब्रैकेट में समाकलन वन प्लस कॉस बारह एक्स बटे दो डी एक्स प्लस यहाँ से हाफ समाकलन ये हो जाएगा कॉस आठ एक्स और ये माइनस को पचा जाता है तो प्लस में रहेगा कॉस फोर एक्स और डी एक्स बराबर। इस हाफ को गुणा कर लेते हैं पहले तो ये हो जाएगा वन बाई फोर समाकलन वन प्लस कॉस बारह एक्स डी एक्स और ये वन बाई टू इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन बाई फोर और ये हो जाएगा कॉस आठ एक्स प्लस कॉस चार एक्स डी एक्स बराबर। यहाँ से एक बटे चार और बारी बारी से समाकलन करते हैं, एक का होगा एक्स प्लस कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स तो ये हो जाएगा साइन बारह एक्स और इसका डिफरेंशिएशन बारह और प्लस यहाँ से ये हो जाएगा एक बटे चार और कॉस आठ एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन आठ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन आठ और प्लस इसका हो जाएगा साइन चार एक्स बटे चार और प्लस सी। बस थोड़ा बहुत और इसको अरेंज करेंगे बराबर, ये एक बटे चार को अंदर गुना करें तो ये हो जाएगा एक्स बाई फोर प्लस साइन बारह एक्स बटे फोर गुने ट्वेल्व हो जाएगा अड़तालीस प्लस ये हो जाएगा साइन आठ एक्स बटे बत्तीस आठ चौका बत्तीस और ये हो जाएगा साइन चार एक्स बटे चार चौका सोलह प्लस सी, ये है इसका एंड। चौथा सवाल है समाकलन साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन डी एक्स। सबसे पहले इस टू एक्स प्लस वन को प्रतिस्थापित करें टी से तो पुट करेंगे यहाँ टू एक्स प्लस वन बराबर टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा टू डी एक्स बराबर यहाँ डी टी और ये डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ डी टी, इसलिए आई बराबर हो जाएगा समाकलन साइन की घात तीन है और इसको हमने रखा है टी तो यहाँ रखेंगे टी को साइन क्यूब टी और डी एक्स के जगह पर ये हमारा डी एक्स है और डी एक्स हमारा आया है हाफ डी टी तो यहाँ रखेंगे हाफ डी टी, हाफ कोफिशियंट है इसको बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू टी डी टी और ये हाफ को कर लिया बाहर। अब इसको हम लिखते हैं वन बाई टू साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी डी टी बराबर, यहाँ से हाफ बाहर रखा साइन स्क्वायर टी को लिखते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर टी और इधर बाहर गुना है साइन टी और डी टी। अब यहाँ प्रतिस्थापन लगाएंगे कॉस टी पर तो देखें इसको पुट करते हैं कॉस टी बराबर रख लेते हैं पी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ये हो जाएगा कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी डी टी और बराबर इधर हो जाएगा डी पी, यहाँ से इसको लिखें तो ये हो जाएगा साइन टी डी टी बराबर माइनस का डी पी, इसलिए आई हमारा हो जाएगा
वन बाई टू समाकलन, वन माइनस कॉस टी के जगह पर रखा है पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और साइन टी डी टी हमारा आया है माइनस का डी पी, इस माइनस को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, और यहाँ वन माइनस पी स्क्वायर डी पी। अब इसका समाकलन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बाहर है माइनस हाफ, इसका समाकलन होगा डी पी के रिस्पेक्ट में पी, और माइनस ये हो जाएगा पी की घात तीन बटे तीन और प्लस सी। सबसे पहले यहाँ हमने प्रतिस्थापन लगाया है 2x प्लस वन पर, t से इसको प्रतिस्थापित किया, इसको बदल लिया t में हम, उसके बाद पुनः हम इसको बदला है p में, तो यहाँ से ये इस प्रकार से हो गया, यहाँ एक dp का समाकलन होगा p माइनस, यहाँ पावर रूल लगाएंगे तो p की घात तीन बटे तीन प्लस सी बराबर, बाहर माइनस हाफ है और पी पी हमने रखा है कॉस टी को, कॉस टी रखेंगे और माइनस ये हो जाएगा कॉस की घात तीन टी बटे तीन और प्लस सी बराबर माइनस हाफ, यहाँ बाहर है कॉस, चूँकि रिजल्ट हमको एक्स में चाहिए तो टी को हमने रखा है टू एक्स प्लस वन, यहाँ रखेंगे टू एक्स प्लस वन माइनस कॉस की घात तीन टू एक्स प्लस वन बटे थ्री और प्लस सी, और ये है इसका आंसर। पांचवा सवाल हमारा है समाकलन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहाँ सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं प्रतिस्थापन लगाने के लिए, तो इसको लिखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं साइन क्यूब एक्स, इसको लिखते हैं ये विषम घात है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ से समाकलन साइन क्यू एक्स, और इस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स बाहर में अपना है डी एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स पर प्रतिस्थापन लगाएंगे तो पुट करें इसमें साइन एक्स बराबर टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस एक्स, और यहाँ से डी एक्स आएगा और इधर हो जाएगा डी टी, इसलिए आई जो हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखें साइन को हमने रखा है टी, तो ये हो जाएगा टी की घात थ्री इंटू वन माइनस, साइन के जगह पर टी रखेंगे तो टी स्क्वायर, और ये कॉस एक्स डी एक्स अपना आया है डी टी, तो यहाँ रखेंगे डी टी, बस इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा टी की घात तीन, और डी टी को भी अलग कर लेते हैं माइनस समाकलन, ये हो जाएगा टी की घात तीन और दो पाँच, बेस सेम पावर ऐड कर लेंगे तो टी की घात पाँच और डी टी। अब इसका समाकलन हम लोग पावर रूल से करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा टी की घात फोर बाई फोर माइनस, यहाँ हो जाएगा टी की घात सिक्स बाई सिक्स और प्लस सी, सिर्फ पावर रूल यहाँ लगाया है। अब वापस से टी को हमको रख देना है, टी हमारा है साइन एक्स, तो साइन एक्स रखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन फोर एक्स बाई फोर माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन सिक्स एक्स बाई सिक्स प्लस सी, और ये है इसका आंसर। फ्रेंड्स बुक में आंसर जो दिया है वो कॉस में है, तो लाते हैं इसको कॉस में, देखें इसमें यहाँ से साइन की घात चार एक्स पहले कॉमन करते हैं, साइन की घात चार एक्स बाहर कर लिया, अंदर बचा यहाँ एक बटे चार माइनस, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बटे छः और प्लस सी बराबर, यहाँ से साइन स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से एलसीएम लेंगे चार और छः का होगा बारह, ये हो जाएगा यहाँ थ्री माइनस यहाँ टू, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस सी बराबर, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से थ्री माइनस टू इंटू इसको लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटे बारह और प्लस सी, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर एक
प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कॉस की घात 4x माइनस 2ab, तो 2a में एक है तो 2 गुने एक ही होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इनटू में इधर है 3 माइनस, ये 2 अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और बटे 12 और प्लस सी बराबर, यहाँ से ये 1 प्लस कॉस की घात 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 में से 2 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 12 और प्लस सी। अभी दोनों को गुणा करेंगे, इस पूरे के डिवाइड में 12 है, यहाँ से इसको गुणा करते हैं, 1 बटे 12 बाहर रख के, तो ये हो जाएगा, पहले 1 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस की घात 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अभी पहले इस 12 को बाहर कर लिया है 1 बटे 12 करके, इस 1 से दोनों इस तीनों में गुणा किया है, अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें गुणा करते हैं, तो 1 गुने 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2, और इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 और कॉस की घात 4 इंटू कॉस की घात 2, ये हो जाएगा कॉस की घात 6x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, ये हो जाएगा 2 और 2 4 और कॉस स्क्वायर का एक्स है और फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा कॉस की घात 4x और प्लस सी बराबर, यहाँ से 1 बटे 12, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस, ये हो जाएगा कॉस की घात 4x माइनस कॉस की घात 4x, यहाँ 4 है तो बचेगा ये प्लस 2 कॉस की घात 6x, और ये बचेगा 1 में से 4 जाएगा ये, तो माइनस 3 कॉस की घात 4x और प्लस सी बराबर, यहाँ से अब इस 1 बटे 12 को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 12 प्लस 2 कॉस की घात 6x बटे 12 माइनस 3 कॉस की घात 4x बटे 12 और प्लस सी, इसको और इसको मिला के अलग से कांस्टेंट लिखेंगे, ये 2 छक 12 होगा यानी कॉस की घात 6x बटे 6, और ये 3 चौक 12 होगा माइनस कॉस की घात 4x बटे 4, इसको और इसको मिलाकर अलग से कांस्टेंट लिख देंगे और ये है आंसर। दोस्तों अगर इसमें हम कॉस क्यू एक्स को रखते और इसको अलग कर लेते स्क्वायर और एक पावर में यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो डायरेक्ट आंसर हमारा यही आता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करें आंसर हम यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में बुक में यही दिया है, ये भी आता है, चूँकि ये दोनों एक ही बात को दर्शाते हैं यानी दोनों आंसर सेम ही है, इसको हम सिंप्लीफाई करके इस रूप में लाया भी है, तो ये आंसर और ये आंसर दोनों एक ही है। छठा सवाल हमारा है, आई बराबर समाकलन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ ये फॉर्मूले की हमको आवश्यकता पड़ेगी, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस सूत्र को यहाँ लगाएंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसको लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ 2 चाहिए होगा, और बारी बारी से हम इस दोनों के लिए पहले काम करेंगे और फिर इसको बाद में देखेंगे, तो सबसे पहले इसको यहाँ 2 बनाएंगे, तो उसके लिए 1/2 से बाहर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x, और बाहर अपना है साइन 3x dx। अब यहाँ बाहर में है 1/2 समाकलन, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस
ए माइनस बी यानी एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा थ्री एक्स, और यहाँ बाहर में है साइन थ्री एक्स और डी एक्स बराबर, यहाँ से हाफ बाहर में है समाकलन, ये कॉस बचा रखा है माइनस को बचा जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स, और बाहर है साइन थ्री एक्स डी एक्स। अब इस साइन थ्री एक्स को दोनों में गुना कर लेंगे बराबर, ये हो जाएगा बाहर में हाफ समाकलन, इसको गुना करना है तो साइन थ्री एक्स कॉस एक्स माइनस साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स और डी एक्स। अब यहाँ से समाकलन को अलग अलग करेंगे, सूत्र वही लगाएंगे साइन ए इंटू कॉस बी वाला, तो करते हैं इसको बराबर, ये है वन बाई टू समाकलन, समाकलन को अलग अलग कर लेते हैं साइन थ्री एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स डी एक्स। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर, फॉर्मूला पढ़े हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ टू गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, तो इसके बाहर में वन बाई टू गुना करते हैं, यहाँ टू गुना करते हैं, यहाँ भी बाहर में वन बाई टू गुना करते हैं और यहाँ टू गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा इस हाफ को अंदर गुना कर लें तो ये हो जाएगा वन बाई फोर, और समाकलन टू साइन थ्री एक्स कॉस एक्स साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन तीन एक्स और एक एक्स चार एक्स, और प्लस साइन ए माइनस बी यानी थ्री एक्स माइनस एक्स हो जाएगा साइन टू एक्स, टू साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी, ए यहाँ थ्री एक्स है और बी हमारा एक्स है, तो थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स हो जाएगा और थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स हो जाएगा, ये हो गया हमारा, और यहाँ है माइनस का चिन्ह, ये माइनस है और ये हाफ आ रहा है यहाँ, तो माइनस हो जाएगा वन बाई फोर, और यहाँ हो जाएगा ये समाकलन, यही सूत्र लगाएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स साइन सिक्स एक्स, और प्लस साइन थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा साइन जीरो जीरो ही होता है, तो ये हो जाएगा खाली डी एक्स बराबर, यहाँ से हो जाएगा वन बाई फोर, और इसका समाकलन करेंगे, इसके साथ भी डी एक्स लिख लेते हैं, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन फोर एक्स का समाकलन माइनस कॉस चार एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन चार, और प्लस यहाँ से हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स बाई टू और माइनस वन बाई फोर, और इसका समाकलन हो जाएगा माइनस में कॉस सिक्स एक्स बाई सिक्स और प्लस सी। थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, इस एक बटे चार को अंदर गुना करते हैं तो माइनस कॉस फोर एक्स बाई सोलह, और ये हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स बाई आठ, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस छो एक्स बटे चौबीस प्लस सी, और ये है इसका आंसर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर एक से लेकर छः तक का सोलूशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।